ये देखिए गाइस, दूर दूर तक पूरा गाड़ी का जाम लगा हुआ है। ये है मेरा खाना, चिकन राइस और साथ में कोक। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है दूसरा दिन और मैं निकल पड़ा हूँ क्लास के लिए। पहले जाके वर्कआउट करूँगा, उसके बाद दूंगा क्लास। तो मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, मैं आ गया हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। यहाँ पर कुछ खाना तो लेकर चलते हैं फटाक से क्लब, कुछ मैं लेने जा रहा हूँ। तो एक तरह से जैसे इंडिया में एग रोल रहता है, रसाई टाइप का एग रोल टाइप का वो लोग बनाते हैं। अंदर में बहुत सारा वेजिटेबल डालते हैं, अंडा डालते हैं और एक सॉपस्टिक डालते हैं। ये देखिए शिष्य। तो गाइस ब्रेकफास्ट ले लिया, फटाक से चलते हैं गाड़ी में, फिर खाते हैं ब्रेकफास्ट और चलते हैं। वो गाड़ी बहुत गर्म है गाइस, चालू करके 3-4 मिनट तक छोड़ देते हैं एसी ऑन करके, तो गाड़ी ठंडा हो जाएगा और तब तक मैं कर लेता हूँ अपना ब्रेकफास्ट। गाइस देखिए, खाते खाते मुझे पानी प्यास लग गया था, गाड़ी वहाँ पे है और मैं चल गया था उधर यहाँ पे पानी लेने के लिए। गाड़ी में बैग है, गाड़ी चालू है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता है। कार का तो बात दूर, अगर आप बाइक छोड़ दे दिन भर के लिए चाबी लगा के रोड पे, तब भी कुछ नहीं होगा। गाइस गाड़ी पूरा चिल्ड हो गया, अब चलते हैं क्लास। आज गाइस हर मंडे को मेरी एक मेंबर हमको रिसीव करने आती है, बट वो कुछ अपने काम से गई हुई है दूसरे सिटी में। और मंडे ही को एक दिन ऐसा होता है कि मैं कार नहीं चलाता था। मंडे ही को सबसे ज़्यादा जाम रहता है दूर वाले क्लब से, यहाँ पे फिर मेरा शाम को सामने वाला क्लब में क्लास है, और फिर उस टाइम शाम के टाइम में वहाँ से दूर वाले क्लब से क्लास फिनिश करके फटाक से आने में हालत ख़राब हो जाता है। मतलब एक पैर रखने का जगह नहीं रहता, इतना जाम रहता है। और फिर हल्का सा गाड़ी टच हो जाता है तो फिर रुको, पुलिस बुलाओ, इंश्योरेंस बुलाओ, फिर उस सब में टाइम चल जाता है। तो आज तक मैं कभी भी मंडे को ट्राई नहीं किया था गाड़ी चलाने का उस रोड पे और उस टाइम पे। बेसिकली आज मैं पहली बार करने जा रहा हूँ और मेरे पास टाइम भी लिमिटेड रहता है, ऐसा नहीं कि टाइम बहुत रहता है। एक घंटा में मुझे वहाँ से इस क्लब में आके रेडियो के क्लास लेना रहेगा। वही है, आज थोड़ा सा थ्रिलिंग होने वाला है। हमेशा सबके ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए, खुद से ही करना चाहिए। तो आज मैं ट्राई भी कर रहा हूँ, इसी बहाने एक फियर अनलॉक भी हो जाएगा कि हाँ भीड़ भाड़ भी जहाँ पे भी रहे बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे भी गाड़ी निकाल सकते हैं। फाइनली पहुँच गए क्लब और अब चलते हैं अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज का मेरा वर्कआउट हो गया फिनिश और अब मैं रेडी हो गया हूँ क्लास जाने के लिए। तो फटाक से चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्लास। और जो गाने बजाने वाला फोन था वो मैं रात में चार्ज करना भूल गया था। हाँ तो उसको चार्ज में लगा दिया था यहाँ पे, अभी निकालता हूँ। नी हाओ सिडियन अर्श। तो चार्ज हो गया है पूरा गाइस। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो गाइस फाइनली मेरा दो क्लास हो गया है खत्म। हाँ तो इंडिया जैसा है नहीं कि कहीं से भी जगह मिला तो कट के निकल लिए। यहाँ पे अगर सीधा जाना है तो एक लेन बना हुआ है सीधा जाने का, अगर उस लेन को क्रॉस करके सीधा चल गए तो फिर तुरंत फोटो खींचा जाएगा, पुलिस लोग पकड़ लेगा, गाड़ी रोक देगा, फिर लाइसेंस अपॉइंट कट जाएगा, पेनल्टी लगेगा, तो बहुत लफड़ा है। इसीलिए बहुत जब ज़्यादा एकदम जाम रहता है, मतलब मंडे को तो हमेशा जाम रहता है, इसलिए मैं मंडे को कभी नहीं गाड़ी निकालता हूँ। वैसे चलाने का तो यहाँ पे क्या है, जो लोग इंडिया में गाड़ी चला लेगा वो लोग यहाँ पे भी चला लेता है, कोई ऐसा इशू नहीं। बट यहाँ पे लॉ रेगुलेशंस बहुत। और अभी हम क्लब से मात्र 1 किलोमीटर दूर आए हैं, उसी में मेरा 15 मिनट चल गया है। अभी तो मेन एक्सप्रेस वे जो हाईवे है उसको पकड़ेंगे, वो पूरा जाम रहेगा, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये देखिए गाइस, दूर दूर तक पूरा गाड़ी का जाम लगा हुआ है और ये वाला जाम अभी मुझे मिलेगा पूरा 12 किलोमीटर तक। देखिए कितना बड़ा जाम है, और इसी में हल्का सा कहीं पर टच वच हो गया तो बस वहीं पे गाड़ी को रोक देना होगा, पुलिस को बुलाना होगा, इंश्योरेंस को बुलाना होगा, फिर बहुत लफड़ा, क्लास भी छूट जाएगा, पूरा का पूरा रोड जाम। फाइनली गाइस पहुंच गए क्लब के पार्किंग में और पूरा मुझे 55 मिनट लग गया, बस 5 मिनट बाकी, 5 मिनट में मुझे रेडी होके क्लास स्टार्ट कर देना। तो गाइस अभी 2 मिनट बाकी, 2 मिनट में फटाक से खा ले रहा हूँ उसमें, फिर उसके बाद स्टार्ट करूँगा अपना क्लास। बस फाइनली आज का क्लास हो गया ख़त्म और अब चलते हैं फटाक से डिनर करने के लिए।
क्योंकि काफ़ी मैं थक गया हूँ। आप देख रहे थे मॉर्निंग से मैं निकला हुआ हूँ और अभी बजने जा रहा है रात का 10। तो गाइस मैं आ गया डिनर करने के लिए और ये है मेरा खाना, चिकन राइस और साथ में कोक। और मुझे लगा है काफ़ी जोर का भूख, तो चालू करते हैं अपना। गाइस फाइनली पहुंच गए घर और काफ़ी थक गए हैं। अब मुझे डालना है कपड़े धोने के लिए, फिर उसके बाद बैठ के करूंगा आराम से एडिटिंग। तो गाइस फाइनली सारा काम हो गया, व्लॉग भी एडिट हो गया और अभी टाइम देखिए 2:30 बज रहा है, मतलब कि अप्रॉक्स 3 बजने जा रहा है। 3 बजे तक मैं सोऊंगा वीडियो को अपलोड पे लगा के। तो करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं आपसे अगली व्लॉग में। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मच लव, पीस आउट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नींद भी काफ़ी जरूर आ रहा है, गुड नाइट।